हेलो गाइस एंड वेलकम टू द नोमैडिक लॉयर फ्रॉम 19,024 फीट। अभी जिस पॉइंट पे है ये पॉइंट ही माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे हाई एल्टीट्यूड पे ये बाइक अभी चल रही है। मेरे हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए कि मैं एक्सीलेटर पास ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओनली 100 मीटर टू रीच ओनली द टॉप। अब माइक लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हालत ना बहुत खराब हो रही है, नाक ठंडी हो गई, फील ही नहीं हो रही, कान भी फील नहीं हो रहे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। तो आज ये हमारे स्टे थे, 3 कॉटेज से बने हुए, जो ये बाइक खड़ी है, गाड़ी उधर खड़ी है। हाँ, कल रात को वो थंडर स्ट्रॉम आ गया था, मतलब बढ़िया रात को बारिश हुई है यहाँ पे। हम लोग तो अंदर घुस के सो गए थे और कल हम स्नोफॉल के लिए जा रहे थे रात को, बट अभी देखो एकदम फ्रेश स्नोफॉल हुआ है ऊपर। तो अभी हम जाएंगे उमलिंगला पास, और कितना पास कितना फेल होते हैं जाने वो अभी पता चलेगा क्योंकि हालात कल से और ज़्यादा वर्स्ट हो गए हैं। कल ऐसा था कि मतलब थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, बट कल बहुत लेट हो गए थे। अगर कल 5 बजे भी जाते तो रात को 9-10 बजे वापस आते, और पहाड़ों में रात को चलना बहुत रिस्की हो जाता है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस तो यही कहता है। इसलिए तो अभी हम सब उठ गए और यहाँ से अभी चाय वगैरह पी के जल्दी से निकलेंगे उमलिंगला से फिर सीधा सोमोरी, शायद आज का स्टे सोमोरी रहेगा, और बाकी जो भी अपडेट होता है बताते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड के लिए निकलने से पहले हम सब के दिल में कुछ सवाल थे जिनका जवाब हम ढूंढ रहे थे। और सबसे पहला सवाल किया हमारी शर्मा जी की लड़की ने, तो वाटर क्रॉसिंग ज्यादा तो नहीं होगी? और हमारे डॉक्टर साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, नहीं ये वाली गाड़ी निकल जाएगी भैया। और ये है हम दोनों, मैं और अनुज। हमें सवालों से ज्यादा उन सवालों के जवाब ढूंढने का इंतजार था। हनले से उमलिंगला जाने के लिए मोस्टली लोग 2 रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला हनले से कोटिला होते हुए चुसुमले तक पहुंचाता है, वहां से चुसुमले ब्रिज को क्रॉस करके, जिसको गेटवे ऑफ उमलिंगला भी कहा जाता है, उमलिंगला डेमचौक रोड होते हुए उमलिंगला पहुंच सकते हैं। जो दूसरा रोड है हनले से मैप में देख रहे हैं, गोमला कंगमला चुमकी होते हुए नुबरला टॉप लेके जाता है, नुबरला टॉप होते हुए वही रोड वापस से चुसुमले ब्रिज आती है, वहां से फिर डेमचौक उमलिंगला रोड लेकर उमलिंगला जाना होता है। मोस्ट ऑफ लोग हनले से उमलिंगला जाने के लिए कोटिला टॉप होते हुए जाते हैं, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना दूसरा रूट है उससे जाया जाए। तो भैया ये था हमारा एक छोटा सा स्टे, और यहाँ पे हम रुके हुए थे, ये भैया ने हमें स्टे प्रोवाइड करा था। भैया आपका क्या नाम है? रंजीत सर। इनका नाम रंजीत है और भैया का नाम मेरे को याद नहीं रहता। तो कभी भी आप आते हो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बड़े बढ़िया इंसान है और हनले में है ये। किस आपका होम स्टे किस नाम से? गोवा होम स्टे का है ये पूरा, 3 है इनके और भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप आते हो। चलिए अभी चलते हैं उमलिंगला। हाँ तो भैया हनले में अंदर आके ये कुछ इस तरह के नज़ारा, वो ऊपर जो आप देख रहे हो ऑब्जर्वेटरी हम आपको आते टाइम बताएंगे, वो पूरा स्नो कैप्ड हो गया। देखो कल सिर्फ हम एक मतलब माउंटेन पे यहाँ का स्नो थी, गिर रही थी, तो सब लोग बोल रहे थे अभी चलते हैं, बट रात को बारिश आई और बारिश आने के बाद मतलब पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया। इट्स ऑसम, मतलब सीरियसली इट्स ऑसम। तो अभी हम निकल रहे हैं, रंजीत भैया ने जो रास्ता बताया वो मेरे पास मैप पे भी, आगे मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। जो रोड वाला जो फोटूला या फोटू कुछ ऐसा टॉप है, वहाँ से जाने से उन्हें मना किया, बोले लंबाई पड़ेगा और आपको बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स भी मिल सकती है। वाटर क्रॉसिंग्स तो इसमें मिलेगी। हनले में पहली बार आया हूँ लेकिन सीरियसली मैं फैन हो गया हूँ। सीनिक व्यू का जो सीनरी है यहाँ पे, जो मतलब यहाँ के माउंटेन जो सुकून देते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल लग रहा है मुझे सीरियसली। वहाँ पहुँचना है ऊपर, वहाँ जाएंगे अभी, और उमलिंगला द हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो क्रॉस करेंगे हम, हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है। बढ़िया 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 बढ़िया। तो वेलकम टू पहली वाटर क्रॉसिंग्स, और वो भी खतरनाक वाली है, ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की है। ओ निकल गए। वाटर क्रॉसिंग से दिक्कत तब होती है जब आपको नीचे बेस ना हो, नीचे पत्थर हो, खड्डे हो, उसमें टायर अटकेगा और आप गिर जाओगे, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत होती नहीं है ज़्यादातर। और मैंने अब देखा है लेह में लगभग हर जगह रोड्स बन चुकी हैं, टारमेक रोड जो उसके ऊपर से वाटर क्रॉसिंग जाती है, या फिर नीचे जो एक पैच बना दिया जाता है उसमें से वाटर क्रॉसिंग जाती है, तो बहुत ईजी हो गया है। अब इस रूट पर मैं पहली बार जा रहा हूँ,
इसमें देखते हैं कितना इजी है कितना मुश्किल डिफिकल्ट है। तो हलने से जिस रूट से हम उमुलिया के लिए निकले हैं उस रूट पे 1 किलोमीटर के बाद आपको इस तरह की 50-50 टारमेक रोड मिलेगी। बट बी अवेयर, इस रोड पे टारमेक देखते एकदम से ना एक्सीलेटर पुश मत कर देना, बहुत सारे खड्डे हैं इसमें और बाइक में नुकसान हो सकता है। तो जितना उमलिंगला तक आप आराम से चलेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जल्दी ना करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल अगर रात को हम निकल जाते तो मैं 100% श्योर हूँ कि हम परेशान होते। अभी सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, 10-11 बजे तक हम वापस आ जाएंगे और आगे सुमुररी के लिए निकल सकते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो चीज़ें थोड़ा टाइम आता है मैच्योरिटी आने में। अगर मैं 2-3 साल पहले वाला राज होता तो शायद मैं कल रात को चलते हैं माहौल बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर पहाड़ों में ना जितना आप मैच्योर हो जितना जल्दी पहाड़ों से मिल के आप उनकी जो बातें हैं वो समझ जाओगे, जितना जल्दी आप पहाड़ी तरीके से मैच्योर हो जाओगे, आपके लिए आपके जितने जो वेपन्स मीन्स बाइक है जो भी, अगर आप मेरी तरह व्लॉगिंग करते हो तो जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है कैमरा गियर है जो भी है, और सबसे बड़ी बात अपनी जान के लिए आप अपनी जान पे बहुत बड़ा एहसान करोगे। आप चाहे कितना ही अच्छा आप ऑफ रोड क्यों ना चलाते हो लेकिन पहाड़ों में जितनी समझ मेरी है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि आप गिर जाओगे या आपकी बाइक खराब हो जाएगी, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप गिर गए तो आपको कोई संभालने वाला नहीं है, और अगर आपकी बाइक खराब हो गई तो उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो फिर आपको एक मोटा सा पैसा देके बाइक को यहाँ से किसी टेम्पो या ट्रक में लोड करके आपको ले तक या कारू तक वहां तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो रिपेयर होगी और वो रिपेयरिंग कॉस्ट शायद आपकी ट्रिप से भी ज्यादा बड़ा हो जाए। तो ये है गुरु ज्ञान, अगर आप लेना चाहें तो बहुत बढ़िया है आपको। अगर गुरु ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अजीज मित्र बहन भाई माता पिता जो भी लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं उनको बताइए कि इस तरह का कोई वीडियो है आप देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रिज है, इसके नीचे काफी तेज पानी बह रहा है, मतलब तेज क्यों बह रहा है, तेज इसलिए बह रहा है क्योंकि बारिश आई है भाई, कल पूरी रात बारिश आई है। तो इस टूटी फूटी रोड से अगर आप सामने व्यू देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। देखो यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके वहां तक हर जगह नज़ारे ही नज़ारे, स्नोफॉल, मतलब जिस स्नोफॉल की फिराक में हम लोग आए थे वो हमें सिंकुला पे जरूर मिली थोड़ी सी, वो ठंड हो गई थी हमारे साथ वालों की हालत खराब हो गई थी तो जल्दी निकलना पड़ा। यहाँ स्नोफॉल मिलेगा But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ क्या हुआ? स्कूटर की आवाज आई यार और फिर उसके बाद गायब हो गई, वो मैंने सोचा पंचर हो गया। अरे ऐसे आ रही होगी, ट्यूब है कि ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस है। तो फिर क्या अपने पास इन्फ्लेटर है ना? हाँ तो इस ये वाला गया लगता है? नहीं नहीं ये तो ठीक है, इंजन का वेट होता है ना। हाँ तो चलो फिर देखते हैं। ये जो पूरा चौड़ा सा रोड सा लग रहा है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री है हल्की हल्की, ये एक्चुअली ट्रेल्स नहीं है, ये रोड बनाने की तैयारी है। माथी ऊंची हुई है काफी जगह, तो एक तरह से जो फ्यूचर रोड होगी जिसमें टारमैक लग के जिसको बनाने की कोशिश की जाएगी उस पर हम लोग चल रहे हैं। पहले थोड़े से ट्रेल्स थे जहाँ से गाँव से निकलने के बाद, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ये रोड बनाने की कोशिश है इनकी, क्योंकि जिस हिसाब से उसको कट किया गया है जिस हिसाब से उसको बनाया गया है वो रोड का ही स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे जैसे उमुलिया पास की तरफ हम ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, वहाँ पे पानी भी भरा पड़ा है, मिट्टी चिकनी है। ये जो मिट्टी है पहाड़ों की यहाँ हल्ले की साइड ज्यादा स्लिपरी नहीं है, हालांकि स्टीप टर्न है बहुत, एकदम 90 डिग्री पे टर्न है, बट मैं आराम से चढ़ा पा रहा हूँ बाइक को, टायर में फिसल रहा है तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट है। ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ओहो कीचड़ पानी स्लश, बट ये फिसल नहीं रहा, अभी तक नहीं फिसला, लकीली मैंने 4-5 क्रॉस कर दिए ऐसे। नेबुला टॉप पे आ गए हम, वो जो आपको दिख रहा है वो नेबुला टॉप का जो मार्क है जो पत्थर से लगा रखे है इसको क्रॉस करके आए हम, और अब सीधा होते हुए आगे उन बर्फीले पहाड़ों में चले जाएंगे। तो अब हम नेबुला टॉप से नीचे उतर रहे हैं, ये देखो रात को बारिश हुई उस वजह से पानी आ रखा है, और वैसे भी वाटर क्रॉसिंग्स है। ओके रोड आ गई है, सीरियसली टारमैक रोड, हल्ले इधर है हल्ले भी इधर है, ये रोड पता नहीं कहाँ जाती है, इसका आते टाइम पता करेंगे अपन।
बट रोड ये खतरनाक है भाई, ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई। टॉमेक आगे इसका मतलब ये नहीं है, बट जहाँ टॉमेक रोड आगे सीरियसली नबूला टॉप है, नबूला टॉप के बाद आपको जो डामर की रोड है ये मिल जाएगी। उमलिंगला है यहाँ से 37 किलोमीटर, कोयूल है 40, और अगर 37 किलोमीटर उमलिंगला तक ये टॉमेक की रोड मिल जाती है तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब वैसे ऑफ रोड में मज़ा ही आ रहा था, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था हमारे लिए वो, क्योंकि टाइम हम ऑलरेडी कल बाइक ख़राब होने की वजह से ऑलरेडी एक दिन लेट चल रहे हैं शेड्यूल से। अगर आप आते हैं सीरियसली थोड़ा सा इस रोड पे थोड़ा सा ध्यान से चले, क्योंकि अगर आप टॉमेक रोड देखे एकदम से स्पीड बढ़ा देंगे तो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, शार्प के नीचे जाते हैं आपको टाइम नहीं लगेगा, सीधा वैली में जाएंगे नीचे। ये देखो एकदम से कितना शार्प है, ये देखो कोई कितना भी वो राइडर क्यों ना हो आपको नानी याद आ जाएगी अगर थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग किया यहाँ पे तो। क्या शहीदों के नाम मजारों पे लगे हर वर्ष मेले, शौर्य गाथा आओ नमन करें। ये है एक स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक कह सकते हैं आप इसे। 1962 में इसी धरती पर चीनों ने जो अटैक किया था उसमें भारत के अपने 22 जवानों ने शहीद हो गए थे, उनके लिए ये बनाया गया है। अपन वहां तक जाके एक बार उनको श्रद्धांजलि जरूर देंगे, शहीदों ने बलिदान दिया है, हम जरूर उनको नमन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे उनसे। ये पुल उमलिंगला कहाँ है, डैमचौक है इधर। ये जो है ये यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो ये डैमचौक जा सकते हैं आप, और हाईएस्ट मोटरेबल रोड बट उमलिंगला, अच्छा उमलिंगला इधर ही है, सॉरी उमलिंगला भी इधर है। ये देखो कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है, आगे सिर्फ फोटले और चुसुमले है, जीरो आगे चुसुमले ही आ गया, ये उमलिंगला लिख के 25 लिख रखा है लेकिन इधर मार्क नहीं लगाया हुआ, तो लेकिन किसी ने पेन से यहाँ पे ना मार्क लगा रखा है। देखो तो उमलिंगला यहाँ से लेके यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा उमलिंगला के लिए। तो जब भी आप यहाँ आए मतलब चुसुमले में आए तो ध्यान रखें कि चुसुमले में आपको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, गेटवे, दिस इज द वे गेटवे टू उमलिंगला। ये देखो ये गेटवे है पूरा का पूरा, यहाँ से ये उमलिंगला का गेटवे है। वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला। वाओ ये बीच में टायर फंस जाए यार इसमें तो। वेलकम टू द हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला। हम बढ़ रहे हैं अब उमलिंगला की तरफ। उमलिंगला है यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ से एकदम से ना उस रोड के पहले लिए रोड ऊपर जा रही है। अब यहाँ से धीरे 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 25 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ेंगे। सामने देखो, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, हम वहाँ जाएंगे शायद उमलिंगला पास पे। यहाँ से पत्थर आ रहे हैं ऊपर से तो ओ हो, ये रास्ता बंद कर रखा है कि पत्थर गिर गए ऊपर से, ये सारे पत्थर ऊपर से गिरे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अदरवाइज तो गाड़ी का निकलना मुश्किल है। पत्थर हटाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो गाड़ी के नीचे लग जाएंगे ये। हमारे अनुज भाई साहब पत्थर उठा उठा के रोड क्लीन कर रहे हैं, पूरी रोड पत्थरों से भरी हुई थी, कम से कम 10 पत्थर अनुज से उठाए हैं यहाँ से। और यहाँ से देखो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, यहाँ से लैंडस्लाइड होती है। जल्दी आ जाओ और आ जाएंगे, यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया पूरा भर गया। तो भैया हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाना इतना आसान नहीं है, हाँ पत्थर आ सकते हैं सर, कितने किस साइज के पत्थर है, इतने इतने बड़े पत्थर है। बाइक वाला तो साथ में जाएगा, वो देखो कैसे पत्थर नीचे जा रहा है, ये पत्थर है कि कोई जानवर है। ओए ये देखो ये रहा मरमिट वो दिख रहा है, कितने सब हमें देखते सारे के सारे बिल में घुस गए, जिन जीवों की जिन मनुष्यों की तलाश थी वो आ गए। वो देखो ओ चाटी ओ मरो, हम नीचे जाते हैं इनसे बात करके आते हैं। इन मॉर्मोट से मिलने के लिए ना हम जा रहे हैं थोड़ा रिस्क उठा के, थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ कैसे।
ये देखो बाइक वहाँ पे मैंने खड़ी कर दी है, और यहाँ से रास्ता नहीं है, बिल्कुल खड़ा स्टीप ऐसे ढलान है, और ऊपर से पत्थर भी आ सकते हैं, तो खतरे बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। अनुज वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कोई एक आता बाहर आ जाए, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, तो मैं भी नीचे जाता हूँ और देखता हूँ क्या सीन है वहाँ पे। चलो अरे यहाँ ट्रेल बनी हुई है, यहाँ दिक्कत नहीं है, अपने जैसे बहुत है। तो भैया हम आ गए नीचे, तो देखते ये बाहर निकलते कि नहीं निकलते। नहीं आ रहे क्या? आ रहे? ये इनके बड़े बड़े बिल है, ये देखो बहुत गहरे गहरे बिल है, इनमें से ना आ नहीं रहे। साले कईयों को मिल जाते हैं, ये हमें नहीं मिल रहे बस। तो सारे हमारी किस्मत में है नहीं ये, देखना इनको। तो डजी क्या करे, वापस चले? और भी कहीं बाहर निकलने वाले मुश्किल है ये ठंडे बर्फ में, तो क्या रहेंगे ठंडे पानी में। तो ये उधर भी नहीं दिख रहे ना, ये मेरे को दिखते सारे अंदर घुस गए। तो हमें मेरी तरह ना बाकी यूट्यूबर्स ने इनका जीना आराम कर दिया है, इसलिए इसलिए अंदर चले गए। तो यूट्यूबर्स यहाँ आना बंद कर दो, हमारे जैसों को देखने को नहीं मिलते, आते अंदर घुस गए। बताओ इनको नहीं आना कैमरे पे, क्यों लाते हो? अरे छोटू बाहर आ जा। तो ये आ नहीं रहे, अब हम ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुके तो हालत ख़राब हो जाएगी। हमें वापस ये चढ़ना भी है ऊपर। हाँ चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी जिस पॉइंट पे हैं हम, अभी जहाँ पे हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उमलिंगला, अभी जिस पॉइंट पे हैं ये पॉइंट ही जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है ना उसके इक्वल है, उससे भी हाई एल्टीट्यूड पे अभी हम हैं, उससे हाई एल्टीट्यूड पे ये बाइक अभी चल रही है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए कि मैं एक्सीलेटर पास ही नहीं कर पा रहा हूँ। Only 100 meters to reach only the top. Yes. Finally, we made it. We made it. Yes. We made it. We made it. Yes. Yes, world highest parking at 19,000 feet. Yes. So hello guys and welcome to the Nomadic Lawyer from 19,024 feet. Welcome to Umlingla Pass. Seriously. मज़ा आ गया। आई डोंट नो ऑडियो कितना आ रहा होगा, अब माइक लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बोला भी नहीं जा रहा ठीक से, बट फाइनली वी मेड इट। तो दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप आते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वेलकम टू उमलिंगला हट लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद ये वर्ल्ड हाइएस्ट कैफ़े है, प्रो कैफ़े या प्रो बी आर ओ कैफ़े और हर जगह आइस है देखो। बीआरओ का कैफे है ये, और 19,024 फीट पे है, और
ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पियरो कैफे वेलकम टू उमलिंगला 19024 फीट। और उमलिंगला के आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है ब्रो, लुक एट दिस, लुक एट दिस, टफ एंड फ्री। देखो वहाँ पियरो वेलकम्स यू, वहाँ जल्दी एक बार देखते हैं फिर। हालत ना बहुत ख़राब हो रही है, नाक ठंडी हो गई, फील ही नहीं हो रही, कान भी फील नहीं हो रहे। ये है नज़ारा, वेलकम टू उमलिंगला 19024 वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और ये है उमलिंगला के पीछे का नज़ारा, वाह। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे एक कैफ़े हो रहा है, इस कैफ़े का नाम है ऑक्सीजन कैफ़े। पता नहीं ऑक्सीजन मिलती है नहीं मिलती, लेकिन कैफ़े का नाम ऑक्सीजन कैफ़े है। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, ओके यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ओके यहाँ जितने पासेस हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। देखो वरीला जो कि 17400 है, तांगांगला जो कि 17480 है, और खारदुंगला 17582, चांगला है 17586, सिंगला है 17815, क्या ये क्या है, काकसंगला ये है 17841, डोंखा डोंखला डोंखला है 17999, फोटिला ये है 18124, अगर हम दूसरा रूट लेते तो उस पर फोटिला आता शायद। और अगला है सीमोला, सीमोला है 18258, सीरियसली बोला नहीं जा रहा। मार्समिकला ये 18313, उसके बाद है माना पास ये 18406, रोड टू उतरुंच चिली, चिली है ना ये, चिले चिली में है, चिले क्या ये 18953। और ये है उमलिंगला जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, 19024 हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड हिमांक 7 out of 13। हाँ तो अब यहाँ से निकलते हैं, हालत बहुत ख़राब हो रही है, हर जगह आइस है। देखो हम स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं, पर स्नोफॉल रास्ते में थोड़ा सा ना थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ था रास्ते में, जहाँ जो हमारा हाथी है जो हरियर है वो अटक गया था थोड़ी सी देर के लिए, वहाँ कुछ एक ऐसे यू नो बूंदे सी गिरी थी, ऐसे फौवे से गिरे थे, वहाँ हमें लगा कि स्नोफॉल मिलेगा। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आपको वॉशरूम भी मिलेगा, एक कैफ़े जो बंद है, रात को तो यहाँ पे कौन रुकेगा, वैसे भी 10 बजे बाद 11 बजे बाद अगर कोई आता तो आता होगा। तो यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं नीचे।